नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। सरीला निवासी अमित कुमार ने डीआईजी बांदा कार्यालय पहुंचकर घटिया निर्माण की खबर लिखने से गुस्साए प्रधानपति पर फोन पर धमकी देने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है। सरीला हमीरपुर निवासी अमित कुमार ने डीआईजी बांदा कार्यालय में शिकायती पत्र देते हुए बताया कि वह पेशे से एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र में तहसील संवाददाता हैं। सरीला विकास खंड की ग्राम पंचायत इछौरा में ग्रामीणों की सूचना और स्थलीय निरीक्षण कर विगत सप्ताह उनके द्वारा घटिया निर्माण कराने की खबर प्रकाशित की गई थी, जिससे बौखलाकर ग्राम प्रधानपति शैलेन्द्र निवासी इछौरा विकास खंड सरीला द्वारा आज शनिवार को कॉल करके झूठे आरोप लगाते हुए धमकी दी गई। इस संबंध में कॉल रिकॉर्डिंग तथा मैं साक्षियों के पत्रकार ने डीआईजी परिक्षेत्र बांदा के कार्यालय पहुंचकर प्रधानपति शैलेन्द्र पर धमकी देने पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस से राजेश यादव की खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? अमित कुमार द्विवेदी नाम है सर मेरा। कहाँ से आए आप? सरीला हमीरपुर से आया हूँ। अभी कहाँ पर आए? अभी मैं डीआईजी साहब के पास बांदा आया हूँ। किस मामले को लेकर आए? मामला ये था सर कि मैं सरीला में एक समाचार पत्र है उसका संवाददाता हूँ। मैंने सरीला विकास खंड के ग्राम पंचायत छोरा में हुए घटिया निर्माण, 4 महीने पहले घटिया निर्माण हुआ था, उसके संबंध में अपने समाचार पत्र में खबर लगाई थी। खबर लगाने से उत्तेजित जो ग्राम प्रधान का पति है इछौरा में शैलेंद्र, उनके द्वारा आज सुबह मुझे 9 बजे फ़ोन करके ऑडियो कॉल करके धमकी दी गई, जिससे के संबंध में मेरे पास रिकॉर्डिंग है। और 4 महीने पहले उन्होंने जो निर्माण कराया था वो बिल्कुल एकदम घटिया था, टूट चुका है, जिसके संबंध में मैंने खबर प्रकाशित की थी। तो उत्तेजित होकर अगर आप पत्रकारों की आवाज़ को दबाने की कोशिश करेंगे तो ये सरासर नाइंसाफ़ी है। इस संबंध में मैंने डीआईजी साहब के यहाँ प्रार्थना पत्र दिया है, संबंधित प्रधानपति के ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर पत्रकार सच्ची खबर लिख रहा है तो सर उसके साथ ये धमकी वाला प्रकरण कहाँ तक जायज है? मतलब लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को भी अगर इस प्रकार धमकियों से डराया जाएगा तो ये न्यायप्रद नहीं है। कैसे पत्रकार सही खबर लिख पाएंगे? अभी आप डीआईजी साहब से मिले हैं? जी, डीआईजी साहब अस्वस्थ हैं, इसलिए उनके पीआरओ साहब से हमारी बात हुई है। पीआरओ साहब ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। अगर प्रधानपति पर कार्रवाई नहीं होती तो मैं उत्तर प्रदेश जर्नलिस्ट एसोसिएशन में भी सदस्य हूँ, मैं लखनऊ जाकर धरना प्रदर्शन करूंगा और ग्राम प्रधान के ऊपर कार्रवाई की मांग करूंगा। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। नमस्कार।